क्या 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 हुआ? ओहो पर्ची कटेगी, दिमाग मत था खराब। नहीं अभी मनाली में और हम जाने वाले हैं आज लद्दाख के लिए यहाँ से। और आज का जो सफर होगा कितने किलोमीटर का होगा कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि एक से डेढ़ हमने यहीं पर बजा दिया है भाई। खुद के ऊपर इतना काम करो कि लोगों को अपनी औकात अपने आप नजर आने लगे। तो गाइस जब से राइड पे चला हूं ना मैं तो कई बार नहा चुका हूं भाई, लेकिन अभी तक अपनी बाइक को सिंपोली बोलता है मंजीत, चिंगलो पोली को हमने अभी तक धुला नहीं है ना निलाया है, तो इसे अब निला रहे हैं वो भी वॉटरफॉल में और वॉटर क्रॉसिंग में। तो भाई ने ना मंजीत ने कुत्ता ना मेरे ऊपर पानी गिर दिया यार, देख रहा हूँ ठंडा ठंडा लग रहा है, हवा रही है बहुत ठंडा है और सुन है पानी बिल्कुल बर्फ का पानी आ रहा है, लेकिन आज सर्दी में इसे भी लगवा दूंगा सिग्नो पॉली को। सिग्नो पॉली सिग्नो पॉली अब से खुश है, कोई दिक्कत तो ना है, देर मत कह दे निलाया ना, यू कहेगी मेरा ध्यान ना रखते, अपनी पहली का ध्यान रखते हैं, सारा ध्यान है तेरा, रुक अभी तुझे शैम्पू सरप से नुहाऊंगा। अब मेरी प्यारी तू राज दुलारी सारी धो दूंगा कन्याकुमारी, आए मेरी प्यारी शेर चित्ता ही पैदे। तो भाई लोग फाइनली अपनी बाइक भी हमने धुल ली है, अब नंबर है अपने आप को धोने का, क्योंकि दो से तीन दिन हो गए नहाए हुए। कपड़े तेरे पड़ोसी धोऊंगा आगे, तू है ना मेरी लुगाई, ए लुगाई धो, दिखा दिखा ले ना, ये देखो कौन धो रहा कपड़े, मैं कह रहा हूँ ना लुगाई है मेरी तो लुगाई धोएगी। सो गाइस फाइनली भाई बाइक वाइक तो ओके कर दी है, लेकिन इधर देखो कुछ लोग फोटोग्राफी कर रहे हैं, रील शूट कर रहे हैं, ये देख लो खींच लो थोड़ा और खींच लो, अलग ही दिख रहा खींचा हुआ, छोड़ो असली दिखा, एक्सक्यूज मी प्लीज दिखाइए, छोड़िए जरा, कब तक नहीं छोड़ोगे, हम भी भैंस के पीछे लगे रहेंगे। ए ए ए छूट गया पैर खींच लिया, अबे भाई हद है। तो भाई लोग भाई साहब बाइक को निलाने के बाद में भाई तुम्हारी कसम इतना ठंडा पानी है ना, मैं झरने के नीचे चला गया कुछ देर के लिए, दिमाग सुन्न पड़ गया मेरा, हालत खराब हो गई, और भाई शैम्पू वैम्पू सब हमारे धरे इसमें, मेरा कोतरा भाई कह रहा बोलता, देखो मैं पहुंच गए, एक दो तीन चप्पल 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 उड़ा भाई ऐसा कुछ करने का नहीं, और एक सबसे बड़ी पता क्या बात है, तुम साबुन सरफ लगा लो ठंडे पानी से साफ नहीं होता, कितना साफ कर लो
चिकना चिकना सा रहते रहता रहता कितना पानी डालते हो नहीं होगा रुआ खड़ा हो गया मेरा रुआ भाई सब फटाफट चल रहे बाइक पे नहा धोके और निकलते हैं यहाँ से। सो गाइस जब तक हम नहाए ना भाई तब तक हमारे कपड़े वगैरह सब सूख गए हैं, ये हमने कपड़े धुल दिए थे यहीं पर। तो इस तरह से ना हम जो आपको लगता होगा कि ये एक ही जोड़ी कपड़े पहने फिरे जाते हैं, तो हम ना जगह जगह पर दो तीन दिन में एक बार कपड़े धुल लेते हैं। तो फटाफट कपड़े पहनते हैं और निकलते हैं। सो गाइस फाइनली सारे का सारा सामान भी लोड कर दिया है बाइक पर, और जो रोहित भाई की बाइक पर वो था ना बैग, वो रख लिया मैंने अपनी बाइक पर, और मंजीत को बैठा दिया उनकी बाइक पर, वो सब चले गए, सिर्फ मैं रह गया हूँ यहाँ पर। अब फटाफट यहाँ से मैं भी निकलता हूँ। तो बोलो जय श्री राम, हर हर महादेव, बोल शंकर भगवान की जय। अब देखना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा कहाँ को बैठना है, कैसे उतरना है, क्या करना है। अभी तक तो मुझे चाबी नीचे पड़ी रह गई, मैं देखो बैठ गया इस पर लेकिन चाबी नीचे पड़ी रह गई, ये पड़ी, गिर ना जाए, बाइक गिर गई तो कोई उठाने वाला भी नहीं है भाई, बहुत सामान हो जाता है बाइक पे। बट कोई नहीं यार, मैनेज तो करना पड़ेगा। और भाई पता क्या, कई दिन से ना मैं जो व्लॉग बना रहा था उसमें ना एक कंप्लेंट आ रही थी मेरे पास, मैं कंप्लेंट मान लो या सजेशन मान लो, ये ना ये ऐसे कर देता था, सामने का सब कुछ गायब हो जाता था। तो मैंने इसे अब ऐसे कर दिया है, जब मुझे ज़रूरत होगी तब मैं इसको ऐसा कर लूँगा। बाकी चलो चलते हैं, लेके प्रभु का नाम, जय श्री राम, हर हर महादेव। अब तो व्यू अच्छा आ रहा होगा भाई लोगों, अब तो रोड वोड सब दिखाई दे रही होगी। और बाकी ना देखो, जब मैं कल आया था तो अटल टनल है ना, अटल टनल के उधर तो बिल्कुल धूप निकल रही थी, और जैसे मैं इधर आया इधर अटल टनल के, भाई साहब बारिश ही बारिश, जैसे इधर हो रखा है ना माहौल, बारिश कैसा माहौल हो रखा है अटल टनल के इधर का। तो उधर देखना पड़ेगा अटल टनल के उधर क्या रहने वाला है। ऑयल मैंने कल ही मनाली से फुल करा दिया था बाइक में, अब कोई टेंशन है नहीं, कहाँ जाएंगे जहाँ भी जाएंगे कोई दिक्कत नहीं, जहाँ चलना चलो। तो भाई लोग अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो कर देना लाइक, बाकी तो और कुछ हमें चाहिए ही नहीं आपसे, बस इतना ही चाहिए होता है, एक लाइक कमेंट और सब्सक्राइब। क्या ले रहे हो, भुट्टे 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 भून रहे हो यहाँ, 50 का है क्या है, 50 का हम ना खा रहे, हम ना खा रहे, एक ले ले एक में दिखा लेंगे, आधा आधा दो ले लो, दो ही खा लेंगे बस, महंगा यार 10 रुपए का भुट्टा 50 में कौन खरीदेगा, कुलचा 50 का बता रहा है जो 10 रुपए चीज है ना, तो ऐसी लूट है भाई, यहाँ तो लूट ही मच रही है। सो गाइस अभी हुआ क्या, मैं भी ना कुछ खाने के लिए रुका, जैसे भुट्टा उट्टा खा रहे थे हम अभी, तो सर ने मतलब पहचान लिया होगा, और पीछे से मतलब ये सब्सक्राइबर है मुझे फॉलो करते हैं, और इनसे एक दो बार मेरी बात भी हुई जब मैं आदि कैलाश जा रहा था तो यार मतलब कहाँ कहाँ लोग मिल जाते हैं, बड़ी खुशी होती है। ये भी अपनी फैमिली के साथ घूमने आए हुए हैं मनाली में। सो गाइस फाइनली अपन लोग पहुंच गए भैया अटल टनल, और अटल टनल का ये कौन सा वो है, अच्छा अटल टनल की आज तक मुझे ना हाइट नहीं पता थी कितनी है, अटल टनल की हाइट है 10,040 फीट, और ये जो है इधर का टनल का जो पार्ट है वो है साउथ पोर्टल, साउथ पोर्टल वाला हिस्सा है, उधर नॉर्थ पोर्टल है, इधर मनाली के साइड साउथ पोर्टल है। कल तो हमने इसे क्रॉस किया ही था, किया था भाई साहब, लेकिन है बड़ी ज़बरदस्त जगह ये, मतलब ये फेमस है बहुत ज़्यादा, अभी तक के जो जितने भी टनल है ना, मतलब अगर कोई जानता होगा तो मैक्सिमम जो जानते हैं ना लोग वो अटल टनल को ही जानते, बाकी कोई से टनल को इतना नहीं जानता कोई भी। मैं भूल गया था मुझे ऐसे भी व्लॉग करना होता है, देखो अब क्लियर आ रहा है सब कुछ। तो हम अटल टनल के इधर वाले हिस्से में, अरे भाई साइड कर लो, कर ही नहीं रहा साइड, अब करेगा जब छाती पे चढ़ा देंगे हम बाइक को। ये लो जी, मुश्किल से मुश्किल 5-7 मिनट लगे होंगे मुझे यहाँ तक पहुँचने में, नॉर्थ पोर्टल तक। हम अभी तक साउथ में थे, अब हम आ गए नॉर्थ पोर्टल पे क्रॉस करके, ये आ गए भाई, और
ये रहा भैया तुम्हारा नॉर्थ पोर्टल, यहाँ से यहाँ तक। हालांकि यहाँ पर ना इतना रश है कि यहाँ पर रुकने नहीं दिया जा रहा है किसी को भी, पुलिस वुलिस रुकने नहीं दे रही किसी को भी, नहीं तो इधर आपको खड़े खड़े मिलते हर कोई। बाकी अभी चलते हैं आगे, देखते हैं हमारे साथी संगी किधर रह गए हैं। बाकी इस पोर्टल, नॉर्थ पोर्टल, साउथ पोर्टल तो मैंने पता नहीं कितनी बार क्रॉस कर लिया होगा, मुझे खुद याद नहीं है। अच्छा, अब एक मेन इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको ना स्पीति जाना है, स्पीति समझते ना काजा इधर की साइड और चंद्रताल लेक वगैरह जाना है, तो आपको जाना पड़ेगा राइट साइड। ये जो आपको दिख रहा है ना, इस पोर्टल से आकर के आप राइट साइड चले जाओगे काजा वगैरह, और जब आप लेफ्ट कटोगे तो आप पहुंच जाओगे भैया लद्दाख की साइड, जैसे सिसु हो गया, केलोंग हो गया, इन साइड पे आप चले जाओगे। तो भाई साहब फाइनली हम निकल आए हैं। क्या 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 क्या, क्या हुआ सर? ओहो हो हो, कुछ पर्ची कटेगी? तो भाई यहाँ पर ना जब आप आओगे तो यहाँ पर ना 2-wheeler की 50 rupees की पर्ची कटेगी। ये किस चीज़ की है पूछते हैं सर, किस चीज़ की कटती है पर्ची? है जी बाइक है हमारी 1, 2, 3 तो ये अभी तो उधर गया, तीसरी भी आ रही है। वो तनिष्क पूछी है, ऑनलाइन करो इस पर नहीं, किस चीज के कटते हैं मैं पूछ रहा हूँ। अच्छा अच्छा, बाइक की है बंदों के, बाइक की डेवलपमेंट चार्ज होता है, एंट्री फीस होती है। हिमाचल की है या लाहौल स्पीति की है? नहीं सर, डिस्ट्रिक्ट लाहौल। अच्छा लाहौल स्पीति की। अच्छा अच्छा अच्छा, तो आप तो यहाँ पूरे दिन परेशान हो जाते हो गए, यहाँ दिमाग मत था खराब। अच्छा अच्छा, तो रोहतांग इधर से थोड़ी जाते होंगे? अच्छा अच्छा अच्छा, वैसे रोहतांग तो इधर है ना मेरे ख्याल में। तो ये पैसे वैसे किस चीज के लिए काटते हैं? डेवलपमेंट फीस, तो परमानेंट लेते हैं इस चीज के पैसे? 12 महीने जब हम इधर से गए तब तो किसने लिया, मैं उधर से आया था ना, मैं उधर से आया था सच पास करते हुए यहाँ से। तो पैसा लेंगे? हिमाचल पुलिस से हमारी ऐसी मुलाकात होगी, हमने सोचा नहीं था भाई, अभी जानते अच्छे तरीके से, तो आप भी जाना करो, सब्सक्राइब कर दिया। तो चले भाई, चक्र गाइस। नहीं नहीं नहीं, एक अरे सुनो इलेक्शन ड्यूटी जाएगी, सुनो हाँ इलेक्शन ड्यूटी आएगी, इलेक्शन ड्यूटी होगी तब आएंगे। अच्छा इस बार तुम्हें तो आपको हमारी तरफ से उत्तराखंड में निमंत्रण है, ठीक है? सभी हिमाचल वालों को, हम तो बार बार आते हैं, आप भी आते हो, ठीक है? ओके, तो चलो भाई चलते हैं यहाँ से। और भाई मतलब ये देखो, हिमाचल रोहित भाई को तो हिमाचल पुलिस जानती है, लेकिन मैं सच बता रहा हूँ, हिमाचल पुलिस का भाई व्यवहार बहुत अच्छा था। अभी मतलब जैसे हम नॉर्मली बात करते हैं ना किसी से भी पुलिस वालों से, तो भाई एक अपनी अलग टोन होती है उनकी, लेकिन इनका बहुत ही हम्बल और बहुत ही प्यार से बात कर रहे थे। तो भाई अभी तो हम लद्दाख पहुँचे भी नहीं हैं, मतलब लद्दाख में एंट्री भी नहीं किया, लाहौल स्पीति में ही है। और देखो किस तरीके से पहाड़ आने लगे और आंधी तूफान टाइप के चल रहे हैं, कभी पत्थर गिर सकता है, और इस तरीके से वर्कर यहाँ खड़े रहते हैं, कुछ भी खतरे का अंदेशा होता है तो तुरंत के तुरंत ही ट्रैफिक को रोक देते हैं। सो गाइस देखो ये रोड है, और इधर देखो ये कौन सी लेक है आप बताओ? चलो मैं ही बता देता हूँ, छोड़ो, ये लेक है भाई, आपने अधिकतर इसकी रील्स वीडियोस देखी होंगी, और वो भी किस टाइम पर, जब स्नो गिरती है, मतलब जून, जो जनवरी और फरवरी के टाइम पे, क्योंकि भाई ये जो लेक है ना, जो इतनी बड़ी लेक दिखाई दे रही है, ये फ्रोजन हो जाती है, पूरी पूरी जम जाती है, और यहाँ पर पूरे में स्नो होती है। इसे बोला जाता है शिशु, और सामने हेलीपैड भी है, कितने सारे टूरिस्ट यहाँ पर आए हुए हैं, देखो दुनिया भर की यहाँ एक्टिविटीज़ होती हैं,
ट्रैकिंग होती है और सामने वाटरफॉल, ये फ्रोजन हो जाता है सामने वाटरफॉल जो दिख रहा होगा आपको गिरता हुआ, वहाँ तक भी आप जा सकते हो उस वाटरफॉल पे। वो वाटरफॉल के लिए आपको ट्रैक करके जाना होता है, वो रहा वाटरफॉल। अगर आप मतलब मनाली आ रहे हो तो मनाली से मुश्किल से 30-40 किलोमीटर की दूरी पर आप यहाँ भी आ सकते हो। इस जगह का नाम है शिशु और सामने माउंटेन्स पे भाई साहब स्नो स्नो हो रखी है। बाकी अभी तो फ्रोजन रही नहीं है, इसमें आप बोटिंग वगैरह कर सकते हो इस लेक में, लेकिन ऊपर से देखने में आप बताओ कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है या नहीं लग रही है भाई? देखो मेरे को तो एक नंबर लग रही है भाई, आपका क्या ओपिनियन है कमेंट में बता देना। भाई वहाँ सामने दूर पहाड़ों पर ना स्नोफॉल हो रही है और यहाँ ना ठंड लग रही है, क्योंकि जस्ट अभी अभी पीछे बारिश हो रही थी और पूरा माहौल ना ऐसे ही बना हुआ है जैसे कि आज मौसम खराब होगा, बारिश पड़ेगी। सो गाइस मैंने अपनी बाइक लगाई थी यहाँ पर, थोड़ा सा सामान लिया था वहाँ से खाने पीने का जो हम रात को बनाने वाले हैं, ये रहा दूध दूध सारा चावल वावल। आज ऐसा है ना हमारे साथ में कई सारे लोग हो गए तो उनके साथ में हमें मैनेज करना पड़ रहा है हर तरीके से। तो भाई मैं आपको बता रहा था ना कि स्नो के माउंटेन्स कैसे हो गए, देखो कितनी स्नो आ गई है ऊपर जस्ट अभी अभी, बारिश हो रही थी ना बारिश के चक्कर में इतनी स्नो आ गई है भाई साहब, क्या बेहतरीन हो रहा है नज़ारा देखो, इधर के माउंटेन्स भी ऐसे हो गए हैं। बाकी ना भाई ठंड बहुत ज्यादा बढ़ गई है, हालत खराब होने वाली है आज, पता नहीं कैंप में नींद भी आएगी सच या में? नहीं नींद तो हम ले आएंगे ऐसे कैसे लल्ला लल्ला लोरी समझ रहा हूँ, दूध का डब्बा लिया ना हाथी का कद्दू। तो भाई मुझे इस बात का तो पूरा गर्व है कि मैंने ना मेरे पीछे पड़े रहे कि भाई चाउमीन खा ले चाउमीन खा ले, मैंने कहा नहीं भाई। भाई लोगों देखो जैसे मैं बता रहा था ना आपको कि बहुत तगड़ी स्नोफॉल हो रही है ऊपर चारों तरफ ना माउंटेन्स पर सारे में, भाई साहब स्नो स्नो हो गई है। और आज से 4-5-6 दिन पहले ना मैं गर्मी से ऐसा झूझ रहा था, जब मैंने फर्स्ट व्लॉग डाला था लद्दाख सीरीज का, ऐसा झूझ रहा था मैं गर्मी से, ऐसा झूझ रहा था, मुझे ही पता है कितनी बुरी हालत हो रखी थी गर्मी से यार। लेकिन अब मुझे लग रही है ठंड, और मंजीत भी रोहित भाई की बाइक पे बैठा, मैंने मंजीत से पूछा, मैंने कहा मंजीत हाँ तो मंजीत भी रोहित भाई की बाइक पे बैठा है, तो मंजीत कह रहा भाई मेरे को जैकेट निकाल के दे दे नहीं तो मैं मर जाऊँ, मतलब वो बोलता है ना माँ माँ मी करके, थोड़ा सा बागपत वाला मैटर है उसका, तो बोलता मैं मर जाऊँ यार कुछ ला दे यार मुझे पिला। मैंने भाई और 5-10-15 किलोमीटर बाद चल के हम रुक जाएंगे, क्योंकि समय तो शाम का हो लिया है, बाकी देखो यहाँ के नज़ारे होए। तो अभी ना जा करके कोई कैंपिंग की लोकेशन ढूंढते हैं बढ़िया सी, जैसा कि अपना टारगेट है कि कभी भी हम रूम नहीं लेते, अगर बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है तो ही हमें रूम लेना पड़ेगा, वरना हम रूम नहीं लेते, इसलिए आज भी हम कैंपिंग करेंगे। अब आप सोचोगे अपने गैजेट्स वगैरह कैसे चार्ज करते हो, तो गैजेट्स की बता देता हूँ भाई, हमारे पास में पावर बैंक है 20,000 एमएच के, सभी के पास में लगभग, एक दो बंदे हैं जिसके पास में नहीं है, मेरे पास मंजीत के पास में है, तो हम इन्हें चार्ज कर लेते हैं जैसे कहीं चाय पीने बैठे या किसी होटल पर रुक गए है ना, होटल पर रुकने के बाद में वहाँ जैसे दोपहर में हम खाना खाएंगे होटल पर, वहाँ सारे के सारे गैजेट चार्ज कर लेंगे, भले ही 1-2 घंटा हमारा एक्स्ट्रा लग जाए, तो उन्हें चार्ज करने के बाद में फिर हम आगे के लिए निकलते हैं, फिर रात भर हमारे पावर बैंक काम कर जाते हैं, अगले दिन फिर वही रूटीन, तो ऐसे हम काम चलाते हैं। तो भाई देखो मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। बाकी आप लोगों को ये मतलब व्लॉग्स पसंद भी आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं यार, लेकिन मेरे को समझ नहीं आ रहा कि मेरे व्यूज आ क्यों नहीं रहे हैं, मतलब मैं ऐसी क्या गलती कर रहा हूँ यार जो व्यूज ही नहीं आ रहे, वीडियो वायरल ही नहीं हो रही है, लोगों के वो जो चलते फिरते बकवास व्लॉग बना देते हैं ना लोग बाग, उनके चल जाते हैं यार, हमारे क्यों नहीं चल रहे पता नहीं चल रहा। आपको अगर कुछ पता है तो यार कमेंट में जरूर बताना। बाकी तो हर हर महादेव, महादेव जो करेंगे अच्छा करेंगे, हम तो भोलेनाथ के ऊपर हैं जो कुछ भी है। तो भाई देखो हम आप पहुंच गए हैं तांडी, और ये जो आपको कैन सी दिख रही है ना सारी की सारी, ये इसीलिए दिख रही होंगी आपको क्योंकि यहाँ से ना ये पेट्रोल पंप पहले लास्ट हुआ करता, अब तो शायद केलोंग में भी खुल गया है, तो पहले ना यहाँ पर पेट्रोल पंप हुआ करता लास्ट, तो यहीं से ना लोग अपनी बाइकों में और इनमें कैन में वो भरवा करके ले जाते हैं पेट्रोल भरा करके ले जाते हैं, क्योंकि आगे लेह तक कहीं भी पेट्रोल पंप नहीं मिलता था, जिस वजह से लोग यहीं से ना अपना पेट्रोल पंप से ही फुल करा के टैंक और फुल करा के अपनी बोतल पेट्रोल की ले जाते थे। तो भाई हमारा जो कैंपिंग करने का कुछ सीन है वो इस पुल से नीचे जाके कहीं उधर बताएंगे, नीचे उतर के वहाँ कैंप लगाएंगे नदी के किनारे, बहुत ही बढ़िया जगह है, बहुत ही बढ़िया लोकेशन है, और ये ब्रिज हमें क्रॉस करना पड़ेगा, लेकिन इस ब्रिज पे आने के लिए कहाँ से आना है वो रास्ता ढूंढना पड़ेगा। बाकी सामने होए भाई साहब तगड़ी स्नोफॉल हो गई है, आगे देखते हैं भाई ये वाला रास्ता हमें मिलेगा कहाँ से, ये है ठाकुर देवी सिंह पुल, तो इस पुल पे जाने के लिए आई थिंक ये रहा मिल गया ये रहा नीचे से रास्ता, ये रहा यहीं से रास्ता है भाई, भाई साहब क्या लोकेशन है, मजा ही आ जाएगा आज तो, क्या ही व्यू आएगा यार, उधर माउंटेन्स
वो भी स्नो से ढके हुए। और ऐसा ना हो रात को अगर बारिश होने लगी ना तो भाई यहाँ पे भी स्नो गिर जाएगी पूरी की पूरी, हो सकता है ये फ्लाईओवर ही बंद हो जाए स्नो फॉल से, बस ऐसा ना हो कि हम ना निकल पाए। हालांकि इतनी नहीं गिरेगी क्योंकि अब मौसम वो वाला नहीं है कि हाँ भाई बहुत जल्दी गिर जाएगी स्नो, लेकिन फिर भी कोई भरोसा नहीं है इस जगह का। और इस जगह को बोलते हैं भाई लाहौल स्पीति। भाई जब से मंजीत को मैंने सामने वाली बाइक पे बैठाया ना तब से बड़ा मज़ा आ रहा है बाइक को चलाने में, पावर वावर में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, ऐसे उड़ा उड़ा के निकाल सकता हूँ मैं। देखो ये उड़ाते हुए ले जा सकता हूँ मैं कहीं को भी। तो भाई यहाँ तो 1, 2, 3 कैंप पहले से लगे हुए, एक कैंप हालांकि हमारा ही है, हमारे दोस्त का, उसी ने जगह ढूंढी है जिसका नाम है विक्की। सो गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं भाई हम अपनी कैंपिंग लोकेशन पर। और ये कैंपिंग लोकेशन कहाँ है अगर आप भी आ रहे हो और आपको कैंप करना है तो आपको बताता हूँ कहाँ पे आना है। सामने आपको तांडी का पेट्रोल पंप दिख रहा है, ये दिख रहा है, इसके पीछे ये जगह है, वहीं से आपको दिख जाएगी। ये करते हुए सामने एक फ्लाईओवर पड़ेगा, उससे नीचे उतर के इधर आना है, इस जगह पर आकर के आप अपनी कैंपिंग कर सकते हो, कोई नहीं रोकने वाला। और भाई सुबह का जो व्यू आएगा, वैसे तो अभी का भी व्यू देख लो यार, ओहो बाकी। तो भाई यहाँ से माउंटेन ऐसे दिखाई देंगे कुछ, आय हाय 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 क्या नदी चल रही होगी। इधर अपनी बाइक खड़ी होगी, कैंप लगेगा अपना इधर। इस बंदे ने हमारे पहले 4 घंटे पहले आके ना हमसे बिछड़ गया ये बंदा और यहाँ पे कैंप लगा लिया, बहुत अच्छा किया। बाकी क्या ही बोले हम, कुछ नहीं बोल सकते। हम बोलना चाहते हैं ये आदमी हमें गोली पिया के झूठ बोल के, हाँ गोली पिया के भागा बंदा वहां से, चल जाकर मैं अपनी एडिटिंग करूंगा चुपचाप जाके। कैंपिंग में आके अपनी एडिटिंग नहीं करी क्या तुमने? नहीं करी भाई। खाई मम्मी कसम, मम्मी कसम। अरे सच में भाई, वाह फिर तो ठीक है भाई। तो भाई फटाफट अपना यहाँ कैंप लगाते हैं और फिर कुछ बनाते हैं यार, क्योंकि सुबह से कुछ नहीं खाया भाई, कुछ भी, सिर्फ और सिर्फ चाय पी है। सो गाइस ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। बाकी भाई ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो चुकी है तो इस वीडियो को यहीं तक रखेंगे, बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।